अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हो या कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो किसी भी प्रकार की, तो सरसाई की जानकारी आपको एक संभावित फ्रॉड से बचा सकती है। सरसाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप सरसाई की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सरसाई का मेन उद्देश्य है प्रॉपर्टी फ्रॉड को रोकना। पहले क्या होता था, पहले मतलब बिफोर सरसाई की बात कर रहा हूं, कि कोई व्यक्ति जब बैंक से लोन लेता था, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले या जमीन पे लोन ले या कोई घर खरीद रहे तो उसके लिए होम लोन ले, तो वो बैंक के पास जाता था और अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जिसे कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, वो बैंक के पास सबमिट करता था। इस प्रकार के लोन लेने को बोलते हैं इक्विटेबल मोर्गेज। इस पूरी ट्रांजेक्शन में, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी किसी भी सरकारी संस्था या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोई एंट्री रिकॉर्ड में नहीं होती कि आपने वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिए हैं और बैंक ने उसके बदले में आपको लोन लिया है और इस प्रॉपर्टी पर लोन है या ये प्रॉपर्टी गिरवी है, बंधक है बैंक के पास। कहीं पे भी बीच में कोई और संस्था नहीं आती, सिर्फ बैंक को पता होता है कि आपने लोन लिया है और आपको पता होता है कि ये प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी पेपर मेरे पास नहीं है, बैंक के पास है। जो कुछ फ्रॉड कस्टमर होते थे आपराधिक प्रवृत्ति के, वो क्या करते थे कि बैंक के पास अपने प्रॉपर्टी पेपर दे दिए उन्होंने और फिर उन्होंने सब रजिस्ट्रार के पास जाके सर्टिफाइड कॉपी दोबारा निकलवा ली उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की, ये बोल के कि हमसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर गुम हो गए हैं, फिर उन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे किसी दूसरे बैंक से लोन ले लिया, फिर एक और कॉपी ले ली तीसरे बैंक से लोन ले लिया। यानी एक ही प्रॉपर्टी पर फ्रॉड कस्टमर्स कई बैंकों से लोन ले लेते थे, क्योंकि दूसरे बैंक को लोन देते हुए ये पता नहीं चलता था कि इस प्रॉपर्टी पर पहले से ही कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये पता नहीं चलता था। ज्यादा दुष्ट स्वभाव के, आपराधिक स्वभाव के, क्रिमिनल बैकग्राउंड के कस्टमर थे, वो स्कैन करके अपने पेपर रखते थे और जिस तरह फोर्जरी करते हैं, पूरा फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी के बिल्कुल हूबहू हम शक्ल दूसरे ओरिजिनल दिखने जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते थे। जो ईमानदार और भोले भाले बायर हैं, परचेजर हैं, उनको वो प्रॉपर्टी बेच देते थे। इन फ्रॉड्स को चेक करने के लिए ही सरसाई की स्थापना की गई। ये मैंडेटरी किया गया सरकार की तरफ से इस फ्रॉड को रोकने के लिए कि जब भी कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, घर पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन देगा, मॉर्गेज रख के उस प्रॉपर्टी को अपने पास बंधक रख के थ्रू इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी मॉर्गेज दूसरे तरीके के भी होते हैं, जैसे एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में बैंक ज्यादा सेफ्टी लेता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको लेके जाएगा, वहां एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, एक मॉर्गेज डीड बनेगी और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी एंट्री की जाएगी कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का चार्ज है और ये प्रॉपर्टी तब तक बेची नहीं जा सकती जब तक बैंक एनओसी नहीं देगा, वो चार्ज सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। तो वहां तो चलो मामला सेफ हो जाता है क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एंट्री होती है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज में, जहां पर कि बैंक के पास सिर्फ टाइटल डीड्स हैं, वहां पे ये मैंडेटरी किया गया कि वो बैंक या वित्तीय संस्था जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रही है, वो चार्ज क्रिएट करने के 30 दिन के अंदर अंदर सरसाई की वेबसाइट पे जाके एंट्री करवाएगी, सरसाई के पास एंट्री करवाएगी कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरा भी हित इस प्रॉपर्टी में जुड़ा हुआ है और इस पे मैंने इतने अमाउंट का लोन इस व्यक्ति को दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये हो गई। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर वो फ्रॉड व्यक्ति कोई भी नकली डॉक्यूमेंट बना के या दूसरे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के किसी दूसरे बैंक के पास जाएगा लोन लेने, तो सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी पर पहले ही कोई लोन तो नहीं चल रहा है। और वो कहां से चेक करेगा, वो सरसाई से चेक करेगा। अब अगर आप एक प्रॉपर्टी बायर हैं, सिर्फ 11.80 रुपए फीस दे के आप इस वेबसाइट से जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको पता लग जाएगा सर्च रिजल्ट से कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा। केविन एम्प्टर, क्रेता सावधान का नियम है। तो
आप इस वेबसाइट पे जाओ, sarsaiorg.in, वहां पे आपको मेन पेज पे ही पब्लिक सर्च लिखा हुआ दिखाई देगा, पब्लिक सर्च के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा क्लिक हेयर टू यूज दिस फंक्शनैलिटी। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो दो प्रकार के सर्च ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक एसेट बेस्ड सर्च, यानी कि अगर आपको जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो उस प्रॉपर्टी का एड्रेस वहां पे डालो, वहां पे कॉलम बने हुए क्या फ्लैट नंबर है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, पूरा एड्रेस क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशन जब आप वहां डालोगे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 11 रुपए 80 पैसे इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी फीस तो 10 रुपए है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लग गया, तो 11 रुपए 80 पैसे आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से या कैसे भी पे कर दो, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएंगे और वो प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हो अगर वो वहां पे है तो वो आपको दिख जाएगी, नहीं है तो भी दिख जाएगा कि सर्च रिजल्ट में इस प्रकार की प्रॉपर्टी में कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई भी किसी बैंक ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन सरसाई के पास रजिस्टर नहीं करवा रखी है। आप उस रिपोर्ट को तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हो, हाथों हाथ ही प्रोसेस हो जाता है। मान लीजिए प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप जिससे प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो उसके सिर्फ पैन कार्ड की फोटो कॉपी ही आपके पास हो तो उतने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सेकेंड ऑप्शन भी आता है जहां पे आप डेटर्स बेस्ड सर्च कर सकते हो कि जिस व्यक्ति ने उधार लिया हुआ है बैंक से, यदि आप उसका नाम डालेंगे, उसका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कि पैन कार्ड पे विजिबल हो जाता है, तो वो ये भी दिखा देगा कि इस व्यक्ति के नाम कौन कौन से लोन चल रहे हैं। तो पब्लिक सर्च का जो ऑप्शन है वो पब्लिक के लिए है, सिर्फ 11 रुपए 80 पैसे फीस दे के आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे कि आप एक संभावित फ्रॉड से बच जाओगे। ना केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन सरसाई में कराना अनिवार्य है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे भी अगर आप हाइपोथिकेशन करके लोन ले रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।